my wife. Can I say this again? My wife. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आगे भी बढ़िया रहे दोस्तों। इस म्यूजिक का ट्रेंड तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, इसलिए इस म्यूजिक पे जो है मैं भी आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अपने फोटो का इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, अलाइट मोशन। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं प्रो वर्जन का लिंक ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अलाइट मोशन ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपको बिट मार्क का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बिट मार्क को आपको इंपोर्ट कर लेना है अलाइट मोशन के अंदर, एंड दोस्तों सेक इफेक्ट को भी, ठीक है। तो दो चीज़ आपको इंपोर्ट कर लेना है, तो मैं बिट मार्क आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार का होने वाला। सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम को डाउन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एडिट कैसे करेंगे? दोस्तों एडिट करने के लिए यहाँ पे जो आपको माय वाइफ का टेक्स्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले जैसे आप लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे जो बहुत ही बकवास फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक फॉन्ट डाउनलोड करना होगा, सियोली नाम का फॉन्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हूँ, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करना है, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आपको जो है टेक्स्ट देखते हैं, सियोली नाम का है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पर यहाँ पे आपका टेक्स्ट नहीं आ रहा था, यहाँ पे व्यू ऑल फॉन्ट में क्लिक करना है, इधर थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट है सभी में आपको सियोली वाला टेक्स्ट लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, इन सब में भी एडिट टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे सियोली का टेक्स्ट लगा देना है। इतना हो जाने के बाद आपको आ जाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग जो है फोटो लगाना स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ पे मेरा यहाँ पे मिक्स्ड हिंदी का लोगो है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। तो आपको एक बार इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इमेज लगाना होगा अपनी वाइफ का, यहाँ पे जिसका भी जिसके भी नाम पे यहाँ पे स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लस आइकन पे जाना है, एंड यहाँ पे गाइज इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी वाइफ का फोटो लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल स्क्रीन, एंड गाइज यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है, इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपको बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, और यहाँ पे देखते हैं इस बिट मार्क तक यहाँ पे जो इमेज नहीं आया, तो यहाँ पे लाने के लिए इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक बार इस बटन पे क्लिक करना है तो बिट मार्क तक आ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों इतना करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे जो सेक इफेक्ट आपको दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा सेक इफेक्ट आपको अप्लाई करना है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो उससे यहाँ पे देखते ऊपर में जो फोटो के ऊपर में जो एक यहाँ पे लेयर है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक जाना है, ठीक है। तो बैक आने के बाद यहाँ पे बिट मार्क पे जाना है, ठीक है। बिट मार्क पे जैसे आएंगे गाइस यहाँ पे आपको दो बार क्लिक करना है और इमेज तक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर देना है, ठीक है। पेस्ट लेयर करने के बाद दोस्तों देखते बहुत ही मतलब लेंथ इसका छोटा है, तो इसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे टाइमिंग है दोस्तों स्पीड में आपको क्लिक कर देना है और इसको गाइस उस बिट मार्क तक ले जाना है, ठीक है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है बिट मार्क तक यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है टाइमिंग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा। चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आने वाला है। सो इतना हो जाने के बाद अभी आपको जाना है नेक्स्ट इधर, और यहाँ से आपको फोटो लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा फोटो आपका लगने वाला है, तो आपको यहाँ पे फोटो ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आपको बहुत सारा फोटो ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से फोटो ऐड करता हूँ, आपको तो आता होगा। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर फिल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे में आपको दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले फोटो को ऐड करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है। दोस्तों एंड में कुछ इस प्रकार का आपको जो है एक इमेज ऐड कर लेना है, ठीक है, ताकि जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल देखने में लगेगा। यहाँ पे इसको फिल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। तो लास्ट में एक जो है स्पेशल इफेक्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बहुत सारा इमेज ऐड कर लिया जितना यहाँ पे ज़रूरत था, ठीक है। तो आपको भी इस प्रकार से इमेज ऐड कर लेना, ठीक है। तो उसे जैसे इमेज ऐड कर लेंगे, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पे प्ले करके। तो अभी देखते हैं कुछ भी यहाँ पे एनिमेशन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेक इफेक्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग बैक जाना है। यहाँ पे जो सेक इफेक्ट का जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिया हूँ, तो इस पर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक इफेक्ट में आने के बाद सबसे फर्स्ट में जो सेक इफेक्ट है इस पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको बैक जाना है आपको बिट मार्क में, ठीक है। बिट मार्क में जाने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ से इमेज हम लोगों ने लगाना स्टार्ट किया था वहाँ तक आपको आ जाना है। जैसे कि देखते हैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे करना क्या हुआ दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे पहला इमेज ये वाला है, ठीक है। तो आपको पहला इमेज पे क्लिक करना है और इधर गाइस आपको जाना है इफेक्ट्स में, एंड इधर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट गाइस आपको सभी में पेस्ट करना है, सिर्फ लास्ट वाला जो कपल्स इमेज है उसको छोड़ के, ठीक है।
या फिर इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है, आपको सभी में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी इमेज में आपको भी पेस्ट कर लेना है। चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक आपको जो है इफेक्ट को पेस्ट करना है, एक लास्ट वाला इमेज को छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको बैक जाना है, वापस से आपको सेक इफेक्ट में जाना है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का इफेक्ट है गाइस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स में आपको क्लिक करना है, इधर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है, ठीक है। और लास्ट का जो एक इमेज था गाइस, इसमें आपको जो है पेस्ट करना है सबसे लास्ट वाला में, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इफेक्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा लास्ट में ये वाला देने के बाद, ठीक है। सो ये जितना हो जाने पर आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में जैसे आएंगे गाइस, यहाँ पे आपको जो बिट मार्क दिख रहा है, यहाँ से आपको जो है एक बॉर्डर लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ बॉर्डर कैसे लगाएंगे गाइस, आपको जो है ऑल मटेरियल में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड बिट, और इस बॉर्डर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, मैंने खुद अभी बनाया, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे लगा लेना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, यहाँ पे लाइटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। उस पर आपको प्ले करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आने वाला है, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, देखते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो अभी बात आती है इसको, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बॉर्डर यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी लास्ट पे कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है, एक बार इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर कर देना है, ठीक है। और इसको इस प्रकार से गाइस यहाँ पे क्लिक करके रखना है, इसको आगे तरफ इस प्रकार से जो है सरका के ले जाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ तक मतलब लेयर है गाइस, वहाँ तक आपको इसको ले आना है, यहाँ तक, ठीक है, बिट मार्क जहाँ तक है यहाँ तक। और यहाँ पर गाइस देखते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इधर से आपको कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। सो दोस्तों होप करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।